नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई के एक पर्यटन स्थल की सैर। वैसे तो मुंबई में बहुत सारे पर्यटक हैं, उनमें से एक है गिरगांव चौपाटी, यानी कि गिरगांव बीच। बीचेस का नाम सुनने के बाद अगर आप मुंबई को जानते हैं, मुंबई को सुने हैं, तो जुहू बीच का नाम आपके जहन में आता है। सेम उस तरह से दिखता है गिरगांव चौपाटी। तो आज हम आपको लाइव ले चलते हैं एंड दिखाते हैं गिरगांव चौपाटी, जिसे क्वींस नेकलेस यानी कि रानी के हार के नाम से भी जाना है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको गिरगांव चौपाटी एंड सैर करवाते हैं आपको टूरिस्ट प्लेस का। हेलो मुंबई, अब आपके इंतजार को खत्म करते हैं और रूबरू करवाते हैं सपनों के शहर मुंबई के गिरगांव चौपाटी से। यकीन मानिए, यहां से देखने का नजारा ही कितना खूबसूरत होता है। चिलचिलाती धूप में खूबसूरत नजारा देखकर मन मुग्ध हो जाता है। यकीन मानिए, इतना खूबसूरत नजारा है कि मन करता है पूरा वक्त यहीं बिता दे। एक तरफ मैं और सामने आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव। कभी वक्त मिला तो आपको मरीन ड्राइव से भी रूबरू करवाएंगे। कितना खूबसूरत शहर है। जो सामने आप देख रहे हैं ये है नेवी नगर का, यानी डिफेंस का एरिया है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से देखने का। दोनों तरफ गगनचुंबी इमारतें और बीच में अरब सागर। यकीन मानिए, ठंडी एंड सुहानी हवाओं के बीच वक्त बिताने का नज़ारा ही कुछ। वैसे तो मुंबई की गगनचुंबी इमारतें भी आपका मन मोह लेने के लिए काफी हैं। यकीन मानिए, कितना खूबसूरत नजारा है मुंबई का। अब हम आपको ले चलते हैं मुंबई के गिरगांव बीच पर बने विविंग गैलरी, जहां से अरब सागर, मरीन ड्राइव इवन नेवी नगर को देखने का नजारा ही कुछ होगा। तो दिल थाम के बैठिए, यकीन मानिए आप मुंबई के हो जाएंगे। ये मुंबई के हॉटेस्ट टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है, जहां कपल्स सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इवन आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नजारा है। अगर आप मुंबई आते हैं तो यकीन मानिए आपको गिरगांव चौपाटी जरूर आने के तरीके को भी आपको बताएंगे, किस तरह से आप मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पहुंच सकते हैं। अब हम ऊपर लेके चलते हैं विविंग गैलरी की तरफ से, जहां से हम नजारा देखेंगे अरब सागर का। दूसरे छोर पर लंबी लंबी गगनचुंबी इमारतें, यकीन मानिए मन को मोह लेंगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, गिरगांव चौपाटी के अद्भुत नजारे को देखने के लिए विविंग डेक का निर्माण किया गया है, जिसे पिछले महीने 17 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने इसका उद्घाटन किया था। यहां से मुंबई को देखने का अलग ही मजा है। यहां से कुछ ही दूरी पर एक और विविंग डेक है, जूम करके आपको दिखाते हैं। अगली वीडियो में शायद वो आपको कवर करके दिखाएंगे। तब तक आप गिरगांव चौपाटी का आनंद लीजिए। हर वक्त व्यस्ततम सड़कें, कितना खूबसूरत नजारा है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। वैसे हाँ, एक चीज और बता दें आपको, गिरगांव चौपाटी मुंबई का एक प्रसिद्ध समुद्री किनारा है। कितना खूबसूरत नजारा है ये देखिए। यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है, दिन भर लोग यहाँ आते रहते हैं, यहाँ से खूबसूरत नजारे को कैद करते हैं अपनी यादों में सजोने के लिए। इस विविंग गैलरी से अरब सागर यानी ये समुंदर को देखने का नजारा ही कुछ। यकीन मानो, हिलोरे मारती लहरें, गगनचुंबी इमारतें, एक ओर अथाह समंदर तो दूसरी ओर मुंबई शहर। शाम बिताने के लिए ऐसी खूबसूरत जगह भला और क्या हो सकती है। शाम में चकाचक रोशनी भरी सड़कें और खूबसूरत बनाती है गिरगांव चौपाटी को। ऐसे लगता है कि पूरे वक्त को यहीं बिता दें, वक्त थम जाए, हम देखते रहें और समा जाए मुंबई। तब तक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको विविंग डेक का दिखा देते हैं। कितना खूबसूरत है यहाँ पे, फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और लोग फोटोग्राफी कर भी रहे होते हैं। ये देखिए कोई कपल्स हैं जो फोटोग्राफी में तल्लीन है फिलहाल। यहाँ पर आकर लोग मुंबई को अपनी यादों में बसा लेना चाहते हैं। बहुत सुंदर है मुंबई, मुंबई सपनों की नगरी भी कही जाती है।
वैसे आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप तक ला सकें। अब हम वापस चलते हैं गिरगांव चौपाटी बीच पर, समुद्री लहरों के बीच जहां सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सच में मन मोह लेता है। अब हम पंछियों के बीच चलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जब मैं इन पंछियों के बीच में आता हूं तो फिल्म चोरी चोरी का मुझे एक गाना याद आता है जो लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं दुनिया के चमन में। ये पंछियां भी इंसानों को अपना मानते हैं। अब हम बीच की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे ये कोई कपल्स हैं, रोमांस कर रहे हैं, इनकी वीडियो नहीं शूट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ओके देखिए कितने सारे सैलानी यहाँ आए हुए हैं, कितने सारे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ सुकून के कुछ वक्त बिता रहे, कुछ फोटोग्राफी कर रहे, कुछ अपने ज़िंदगी के मेमोरी में ऐड कर रहे कुछ लम्हे मुंबई। वैसे आपको बता दूं कि मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी नहीं सोता है, सभी यहाँ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी लेकर दौड़ रहे होते हैं, साथ में दौड़ता है ये शहर भी। सपनों के नगरी कहे जाने वाले मुंबई शहर में जब लोग आपाधापी भरी ज़िंदगी से थक जाते हैं, कुछ देर ठहर कर रुक कर आराम करना चाहते हैं, दिन भर की चिलबिलाती धूप से बचकर सुनहरी शाम का मज़ा लेना चाहते हैं तो गिरगांव चौपाटी आते हैं। यकीन माने बड़ा सुंदर सा दृश्य होता है जब आप सुकून से किनारों पर बैठकर अरब सागर को देखते हैं। अगर बीचेस पर बैठने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो चटाई वहां पर ले सकते हैं। ये भाई साहब को आपको दिखा रहे हैं, ये चटाई लिए हैं, 30 रुपए की आप चटाई लेकर आप कितने भी टाइम तक वहां पर आसानी से बैठकर अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं एंड सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। वैसे मरीन ड्राइव से सटकर मौजूद गिरगांव चौपाटी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिन के हर पहर इसके किनारे पर लोगों का हुजूम होता है। गिरगांव चौपाटी घूमने आए लोगों को चौपाटी पर पैरों की छवि, समुद्र किनारे लहरें जब पैरों को छूती हैं तो एक अलग ही आनंद की आभूत होती है। खुले रेत में टहलना अपने आप में एक अलग एहसास है, यकीन मानो बड़ा सुंदर लगता है जब आप नंगे पैर इन रेतों पर टहलते हैं चौपाटी बीच में। अच्छा चौपाटी बीच का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इवन इस दोपहर में भी पब्लिक का आना लगातार जारी है, कुछ अपने दोस्तों के साथ, कुछ अपने फैमिलीज के साथ, कुछ अपने गर्लफ्रेंड के साथ कह सकते हैं, आते ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए लोग चटाइयाँ लेकर बैठे हुए हैं एंड मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर सा दृश्य है। अब हम यहाँ से चलेंगे, आपको यहाँ कुछ फूड कॉर्नर्स हैं, आपको फूड कॉर्नर्स दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ चटपटे एंड स्वादिष्ट फूड कॉर्नर हैं जो आप स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। हाँ वैसे आपको बता दें कि बच्चों को घूमने व खेलने की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है गिरगांव चौपाटी, काफ़ी अच्छा फील करते हैं बच्चे, खुली ज़िंदगी खुले आसमान के नीचे जीने का मज़ा ही कुछ होता है। ये देखिए अब हम चलते हैं फूड कॉर्नर्स की तरफ, दिखाते हैं कैसे कैसे व्यंजन जहाँ पे मिलते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों को भी बहुत आनंद आता है। यहाँ गाड़ियों पर विभिन्न स्वादिष्ट चीज़ें बेचने वाले लोग मिल जाते हैं, यहाँ खिलौने बेचने वाले मिल जाते हैं, विभिन्न मनोरंजन के साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ मुंबई का फेमस भेलपुरी, पानीपुरी, रगड़ा पुरी, सेवपुरी, यहाँ चटपटे चाट व मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव भी खाने को मिल जाएगा। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी आप किसी स्टॉल से किसी दुकान से खाने पीने की चीज़ों को ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले आप मेन्यू कार्ड को ज़रूर चेक कर। और हाँ मुंबई के बाकी शहरों से अलग बीचेस पर या किसी पिकनिक स्पॉट पर या किसी टूरिस्ट प्लेस पर जब आप आते हैं तो वहाँ के फूड्स या जो भी खाने पीने की वस्तुएँ होती हैं वो मूल्य से ज़्यादा होती हैं या अन्य शहरों से ज़्यादा चार्ज करते हैं वहाँ पर। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि गिरगांव चौपाटी आप कैसे पहुँचें। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो वेस्टर्न रेलवे की चर्चगेट लाइन वाली ट्रेन लीजिए एंड चनी रोड स्टेशन उतरकर आप चलकर 5 से 7 मिनट में पहुँच सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको ट्रेन दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए यहाँ कोई लोकल ट्रेन भी जा रही है।
अगर आप सेंट्रल रेलवे से कहीं से आ रहे हैं, लाइक आप करजत कसारा खुपोली थाने डुम्बीवली टिटवाला अंबरनाथ किसी जगह से आ रहे हैं, तो आप दादर में आइए एंड दादर से वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन लीजिए एंड चन्नी रोड आइए। बीच के किनारे पर आपको मैं आ चुका हूँ। अब थोड़े टाइम के बाद में हम इस वीडियो की यात्रा को यहीं ख़त्म करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। आप आगे कुछ गार्डन है, एक गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाते हैं कितना खूबसूरत है। अगर आप चिपचिपाती धूप से ऊब गए हैं गिरगांव चौपाटी के बीच से, तो आप कुछ आनंद ले सकते हैं गार्डन्स में बैठ कर। बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, वक्त बिताते हैं, तो वो आपके ज़िंदगी के सुनहरे पलों में से एक होता है। तो अब हम गार्डन के ओवरव्यू को बंद करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं रोड की तरफ जहाँ से हम आपको विल्सन कॉलेज दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जूम करके दिखाते हैं। वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है विल्सन कॉलेज। मुंबई का काफ़ी बड़ा फेमस कॉलेज है विल्सन कॉलेज। एक मिनट मैं उस तरफ मूव करता हूँ एंड जूम करता हूँ विल्सन कॉलेज की तरफ। ओके, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये है वो विल्सन कॉलेज। गिरगांव बीच पर सीना ताने खड़ा विल्सन कॉलेज। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच को आपने इंजॉय भी किया होगा। वीडियो की इस यात्रा को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना, अपने लोगों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।